हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको स्टार्ट कराया है रैशनल नंबर यानी कि आपके परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने क्या क्या अभी तक सीख लिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर q आपका जीरो नहीं होना चाहिए और p और q आपके इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक होने चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि वो आपके रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जो इंटीजर्स हैं वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर हैं। क्यों है? क्योंकि सारे इंटीजर्स को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास -1 है तो आप इसके डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका p अपॉन q की फॉर्म में ये नंबर आपका आ गया है। यहाँ तक कि इवन आपका जो 0 नंबर है वो भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को आप लिख सकते हैं 0 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपका q 0 नहीं है, p 0 है, लेकिन ऐसी हमारी कंडीशन है ही नहीं रैशनल नंबर में कि आपका p 0 ना हो। तो p 0 हो सकता है लेकिन q आपका 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी आपके इंटीजर्स हमने पढ़े हैं वो सारे नंबर आपके रैशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और सेकंड देखिए, इसी के बेस पे हमने आपसे क्या कहा था कि रैशनल नंबर को हमने दो तरह से, इस तरह से क्लासिफाई किया था। तो जो भी नंबर अभी तक हमने पढ़े हैं इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स को आप क्या कर सकते हैं? रैशनल नंबर के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। जैसे आपके -3 से -∞ से और +∞ के बीच जितने भी नंबर हैं सारे नंबर आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपने हमने आपको क्या बताया था, इंटीजर्स में भी जो आपके 1 से लेके आगे के नंबर हैं, पहले ये नंबर आपके प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर इनको कहा जाता है। इसके बाद जब इनके साथ आप 0 को भी इंक्लूड देते हैं प्राकृतिक संख्याओं में, तो वो आपके होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं वो कहलाती है। ठीक है, और इधर जो है आपके ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक या फिर नेगेटिव इंटीजर, और पॉजिटिव नंबर और आपके जो नेगेटिव नंबर हैं और आपके जो जीरो हैं इनको मिला के आपके इंटीजर कहा जाता है। सेकेंड कैटेगरी की जो थी वो फ्रैक्शन, जिसको आप प्रॉपर रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर आपके पी अपॉन क्यू के फॉर्म में पहले से ही दिए होते हैं, तो इन नंबर्स को तो आप कहेंगे ही कि ये आपके रैशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। इसके बाद हमने आपसे कहा, क्योंकि वो नंबर आपके क्या है, फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रैक्शन वाले नंबर का जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको आप न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है यानी कि अंश और हर इनको कहा जाता है। ठीक है, तो आपके रैशनल नंबर दो तरीके से होते हैं, एक तो पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव नंबर होगा। तो पॉजिटिव नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपका क्या हो, सेम आपके पॉजिटिव हो, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, वो नंबर आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से के बाद हमने क्या देखा, नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव में हो सकता है कि किसी नंबर का न्यूमरेटर आपका नेगेटिव हो और किसी नंबर का आपका डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव हो। तो दोनों में से अगर कोई भी नंबर आपके क्या हो, नेगेटिव के हो, एक नंबर, ठीक है, अगर दोनों होते हैं, इफ यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पे हम -7 को भी माइनस करेंगे, तो देखो इस दोनों से ये जो है नेगेटिव जो है कट जाएगा। तो अगर दोनों में से कोई एक नंबर आपका नेगेटिव है तो हम कहेंगे कि वो नंबर आपके क्या है, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या यहाँ पे किया था, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो फ्रैक्शन में भी हमने पढ़ा था इक्विवेलेंट नंबर क्या होते हैं यानी कि समतुल्य भिन्न वहां पे पढ़े थे, और यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, समतुल्य परिमेय संख्या। ठीक है, तो समतुल्य का मतलब क्या होता है, जब किसी फ्रैक्शनल नंबर या किसी रैशनल नंबर को आप क्या कर देते हैं, किसी सेम नंबर से आप डिवाइड करते हो या फिर मल्टीप्लाई करते हो, या तो आप भाग कर दें और या फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें। भाग करने का मतलब क्या है, लेट सपोज यहाँ पे 12/9 कुछ नंबर इस तरह से दे रखा है और मुझे इस नंबर का क्या निकालना है, मुझे इसका इक्विवेलेंट नंबर निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना है। अब मेरा मन नहीं कर रहा है मैं इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ, मुझे छोटा नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि 12 जो है 3 से भी डिवाइड होता है
और 12 यहाँ पे 9 3 से भी डिवाइड होता है। तो देखो सेम नंबर से यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 से करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट, यहाँ पे हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, या तो हम उसको सेम नंबर से डिवाइड करें या फिर सेम नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई करें, तो ऐसे नंबर हमारे कहलाते हैं, वो आपकी समतुल्य परिमेय संख्याएं या फिर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है 2/3, तो 2 से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 4/6 जो है इसका क्या है, एक ये इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ स्पेशल केस दिया जाए कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आपका ये नंबर है तो आप किसी स्पेशल नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें। लेट यहाँ पे ये दिया गया है कि कोई नंबर है 4/5 और आपको क्या निकालना है, एक ऐसा रेशनल, एक इक्विवेलेंट रेशनल निकालना है जिसका डिनोमिनेटर माइनस का 20 हो। तो उस केस में हमें ये सोचना पड़ेगा कि माइनस 20 आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिविजन करने से आपका जो है माइनस का 20 आएगा, तो वहां पे हमें सोचना है। बाकी अगर आपको रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ रखा है तो आप किसी भी नंबर से इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर इसको आप क्या कह सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह से आप कह सकते हैं कि इसका जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से लिखें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालें, सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास कोई नंबर है इस तरह से, एटीन अपॉन 12। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, 18/12 हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, हमें इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हमें ये देखना है, हमें इस नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर हो केवल 1 ना आए। ठीक है, इन दोनों में जो है कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो उस केस में हम कहेंगे, वहां पे 10 पे हम कहेंगे कि वो ये दोनों नंबर आपस में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे देखिए 18 है और 12 है। ठीक है, तो दोनों नंबर को, क्योंकि अब यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि ये जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, इस नंबर, दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पे क्या आ जाएगा। ठीक है, अभी भी इन दोनों में जो है कुछ कॉमन फैक्टर हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए 2 से ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर आ गया है और ये आपका इवन नंबर है। अब हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगेन हमने क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड कर देना है। तो दोनों नंबर से जहां भी आप करेंगे, देखिए यहाँ 2 से किया है तो नीचे भी हमने 2 से ही डिवाइड किया है, और यहाँ 3 से तो नीचे भी 3 से, तो 3 3 9 और 3 2 6। ठीक है, अब देखिए ये नंबर आपका क्या आ गया है, इन दोनों नंबर में अब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इन दोनों नंबर में 3 और 2 में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये जो नंबर आपका 3/2 है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दूसरा नंबर कोई लूं, अब मैं कोई नेगेटिव वाला नंबर ले लेती हूँ। ठीक है,
माइनस 36 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, अब हमें इसको भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए दोनों नंबर के जो लास्ट में लास्ट डिजिट है वो आपकी इवन नंबर है, मींस मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे कि इन दोनों नंबर में को आप क्या कर सकते हो, 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 36 माइनस का 36 अपॉन में 24, यहाँ भी हम डिवाइड करेंगे 2 से और यहाँ भी डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, पहले हम छोटे छोटे नंबर से करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। तो पहले हम बेसिक चीजों से चलेंगे, तब जाके हमें जो है बड़े नंबर से, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की जो है कॉमन फैक्टर और भी हैं। ठीक है, और इन कॉमन फैक्टर को हम पहले यहाँ इनिशियली 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो जो भी नंबर इसको डिविजिबल कर रहे हैं उन नंबर से करेंगे, तो थोड़ा हमारी जो प्रैक्टिस हो जाएगी, देन हम जो है सबसे बड़े जो फैक्टर होता है कॉमन उससे हम सीधे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका सीधे क्या आ जाएगा, सीधे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको आप जब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 36 को 2 से, तो किस तरह से डिवाइड, देखो यहाँ पर भी आप डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं आता है तो आप इस तरह से डिवाइड करेंगे माइनस को, एज इट इज रहने दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 और यहाँ माइनस करेंगे आप, मैं यहाँ पे इसको कट कर रही हूँ, माइनस को रहने दीजिए, तो माइनस 1 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करके 6 नीचे आएगा और ये 18 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आपको 18 की टेबल आती होगी, तो 18 2 26, तो यहाँ पे माइनस का साइन था तो माइनस आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा और 0 0 यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपका कितना आ गया है, माइनस का 18। इसी तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, इवन नंबर है। डिविजिबिलिटी रूल आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करने वाला है, डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पे जिसको नहीं आते हैं तो वहां उसको थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्यों डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि दोनों नंबर की जो लास्ट डिजिट है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यदि किसी नंबर के लास्ट डिजिट में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ भी आपका 2 से होगा, तो देखिए क्या आ जाएगा, 9, तो माइनस का 9 अपॉन यहाँ आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, हमें तब तक इस नंबर को डिवाइड करते रहना है जब तक कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ना हो। ठीक है, अभी भी देखिए ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 की टेबल में 6 भी आता है, मीन्स हमें क्या करना है, 3 से इस दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखिए हम पहले 2 से कर रहे थे, लेकिन अब हम 3 पे क्यों मूव करिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाला नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 से इसको डिवाइड कर, 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3 और यहाँ पे 6। चलिए सब बच्चों को समझ में आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को, जीआईसी बड़ो वाला और जीआईसी सियालदेव से, बच्चों समझ में आ गया आपको, चलिए वेरी गुड। और एक क्वेश्चन अब आप करेंगे, क्वेश्चन है आपके पास 32/16, इस नंबर को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, 32/16 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, देन आंसर कीजिए फटाफट से। चलिए यहां पे आप 36 लिख लीजिए, 32/36, वो बहुत सिंपल हो गया था, इसको कीजिए आप 32/36,
इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे जो है लास्ट डिजिट आपका 2 है और यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 6 है, मीन्स यहाँ पे इवन नंबर है। तो ये दोनों नंबर आपके किससे डिवाइड हो सकते हैं? ये दोनों नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो जब आप इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये नंबर आपके कितने हो जाएंगे, 32, यानी कि यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा 18। अगेन देखिए इवन नंबर तो फिर से ये क्या होंगे, 2 से ये डिवाइड होगा, तो फिर से आप क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से यहाँ भी 2 से डिवाइड होगा, तो 8 2 16, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ आपका 18, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबर के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इन दोनों नंबर में एक ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये नंबर ना तो 2 से, ये 2 से होता है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से हम डिवाइड करें तो ये तो आपका 3 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, लेकिन 8 आपका 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है 8/9 आपका क्या होगा, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कितने बच्चों का आंसर आया है ये 8/9 जीआईसी सियालदेव से? आपका आंसर यही है 8/9। चलिए वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए अब जो है हमने क्या कर दिया है, इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। एक और आपके पास क्वेश्चन है, -3/-50, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम हमारा, देखिए ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो पहले तो हम इस माइनस से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3/16। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये 3 है और ये क्या है, 15 है। जब हम इनके फैक्टर निकालेंगे, जब आप फैक्टर निकालेंगे किसके, फैक्टर ऑफ 3, तो 3 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, 1 और 3, और फैक्टर ऑफ इसके 15, तो 15 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 होगा एक, सेकेंड इसका 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, हाँ 3 होगा, 5 होगा और 15, तो ये इसके फैक्टर हैं। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या क्या है, 1 और 3, तो 1 और 3। ठीक है, तो 1 तो कोई नहीं, 1 से आप डिवाइड कर भी देंगे तो नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर है 3, तो यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ से 3 से इसको डिवाइड करना है, या फिर हम ये जानते हैं कि 3 का जो है डिविजिबल है 3 से, और 15 भी आपका 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फैक्टर भी देख सकते हैं कि किस तरह से आप फैक्टर विधि से निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको सीधे डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको नंबर के डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो आपको कहीं भी इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए बच्चों, 2 के 3 के, ठीक है, 4 के 5 6 7 8 9 और 11। ठीक है, तो अगर इनकी आपको डिविजिबिलिटी रूल आते हैं तो इनको आप आसानी से कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा है, ये आपने कॉपी कर लिया है, लिख लिया आप लोगों ने, चलिए तो अभी हमने क्या पढ़ा कि रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया क्या ये?
जय श्री सियालदेव से। बच्चों आपको समझ में आ गया, कहाँ है आप लोगों का ध्यान? चलिए अब है आपका जो नया कॉन्सेप्ट है, वो रैशनल नंबर हेडिंग डालेंगे आप। बिटवीन टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर मीन्स दो परिमेय संख्याओं के बीच ये परिमेय संख्या है। हिंदी में आप लिखेंगे दो परिमेय संख्या के बीच की परिमेय संख्या। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याएं क्या होती है? हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं को आपने नंबर लाइन में देखा होगा। ठीक है, जब हम सिंपली क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की, तो देखो रेशनल नंबर एक तो आपका फ्रैक्शन में होता है, और दूसरा हमने आपसे क्या कहा, इंटीजर जो होते हैं वो भी आपके क्या है, वो भी आपके रेशनल नंबर है। लेट सपोज यहाँ पे जीरो है, ये वन, ये टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से नंबर होते हैं नंबर लाइन में। ठीक है, यहाँ आपका माइनस का वन होता है, माइनस टू, माइनस का थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव, इस तरह से होते हैं नंबर। ठीक है, तो नंबर लाइन में आपके जो है इंटीजर्स इस तरह से दिखाई जाते हैं। अब हम रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर की। तो जब आपके पास इन नंबर को दिया जाए कि माइनस वन और टू के बीच के आपको दो रैशनल नंबर या तीन रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं, तो देखिए माइनस वन और टू के बीच के देखिए कौन कौन से नंबर हैं, एक नंबर या दो नंबर। यहां मैं माइनस वन की जगह माइनस फाइव, ठीक है, माइनस फाइव और टू के बीच के आपको चार रैशनल नंबर निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो माइनस फोर होगा, माइनस थ्री होगा, माइनस टू, जीरो और वन। ये नंबर आपके क्या होंगे, इसके बीच होंगे माइनस वन और, क्योंकि ये भी रैशनल नंबर है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव अपॉन वन, और इसको क्या लिख सकते हैं, टू अपॉन वन। ठीक है, तो ये दोनों भी आपके रैशनल नंबर हैं, तो वहां पर आपके जो है इनके बीच कौन कौन से नंबर होंगे, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन और जी, ये सारे नंबर जो है कहां पर है, माइनस वन और टू के बीच, माइनस फाइव और टू के बीच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ तो इस तरह के नंबर भी होंगे जहाँ पे आपको सीधे ये दिया जाएगा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को हम क्या करेंगे, उनको पहले उनके डिनोमिनेटर में आप वन रखेंगे, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके परिमेय संख्याओं में या रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर क्या दिया होता, इसी जगह पर, यहाँ पर मुझे अगर दिया होता कि माइनस वन और जीरो के बीच में, माइनस वन और जीरो के बीच में मुझे पांच क्या निकालने हैं, परिमेय संख्याएं निकालनी, तो उस समय हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए पहले इसका डिनोमिनेटर हम क्या कर देंगे, वन कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इन दोनों नंबर को किसी सेम नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है।
ठीक है, ताकि हम इन दोनों के बीच की जो है परिमेय संख्याओं को फाइंड कर सके। तो यहाँ पे देखिए मैं 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे कितना आ गया है -10 अपॉन 10, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 1 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0 अपॉन 10, ठीक है, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मीन्स कि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 0 और 1 के -1 के बीच को हमने क्या करना है 10 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है 10 पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसके बीच के जो है कितने हो जाएंगे -9 अपॉन 10, -8 अपॉन 10, -7 अपॉन 10, -6 अपॉन 10, ठीक है, और -5 अपॉन 10, ठीक है, ये सारे नंबर आपके कहाँ पे होंगे, ये 0 और 1 के बीच, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ये सारे नंबर आपके आएंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम नेक्स्ट क्लास में भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा आपका ब्रॉड आपका पोर्शन है। यहाँ पे हम पहले फ्रैक्शन नंबर के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन नंबर आपके किस किस टाइप से होते हैं, उसके बाद वो जो नंबर है वो कहाँ पर लाई करेंगे नंबर लाइंस में, उसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है, इसके बाद हम पहले ये देखेंगे कि रैशनल नंबर क्योंकि वो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं तो फ्रैक्शनल नंबर आपके किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे आपके फ्रैक्शन आपके प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, तो कहाँ कहाँ पर वो नंबर आपके लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप दो रैशनल नंबर को लिख रहे हैं और उनके बीच के नंबर आपको निकालने हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर लाइन में वो किन दो नंबर के बीच में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट पर हम जो है बात करेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ